और ये देखिए फ्रेंड, और एक स्टिच मैंने इस जगह में दिया है तोशर कलर का। और दो स्टिच देने से क्या होता है, इस जगह में बहुत ही स्ट्रेट रहता है और इस जगह में बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और उसके बाद हम इसी तरह शॉर्टिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है। और इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट पार्ट और ये जो बैक पार्ट है, और उसके बाद हम दोनों जुड़ेंगे। तो ये हम नहीं दिखाएंगे, ये सब तो आप लोग जानते हैं। तो जुड़ने के बाद हम दिखा रहे हैं। और हम लोग हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, हम लोगों को जो बिजनेस चलता है वो ऑर्डरी वाला हिसाब से ही हम लोग करते हैं। तो देखिए किस तरीके से मैं जुड़ रहा हूँ, एक तरफ दिखा रहा हूँ, दोनों पार्ट सीधा करके पहले जुड़ता हूँ मैं। ये देखिए ये पार्ट और ये वाला इस तरफ का पार्ट, ठीक है। तो लेने के बाद हम लोग फर्स्ट स्टिच देंगे साइड में और उसके बाद उल्टा करेंगे, और उल्टा करके फिर से हम जो हमारा मेज़रमेंट है वही हिसाब से हम इसे करेंगे। और ये रेडीमेड वाला है तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लिया है, और हमारा रेडीमेड पैटर्न वो अलग से था जो हम सेल करते हैं, वो पैटर्न है ये। और हमारा बिजनेस में हम लोग एक्स्ट्रा करके रखते थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, छोटा सा इसमें हम लोग जब कटिंग किया था तब हमने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया था, तो वही हिसाब से हम करेंगे। मगर जब पैटर्न ने आप लोगों को दिखा था वो हमारा रेडीमेड वाला पैटर्न था। तो देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ, इस जगह में सीधा करके सिलाई दे रहा हूँ। और उसके बाद देखिए दोनों तरफ करेंगे हम। और फ्रेंड ये देखिए मैं इसमें एक डाउन लगाने का टेक्निक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है। और ये देखिए इसमें मैंने फर्स्ट जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ और जो फोल्ड मैंने इसमें किया हो तो वो अंदर की तरफ दिया है मैंने, ठीक है। ये देखिए अंदर की तरफ दिया है। और इसी तरह हम ऊपर का हिस्सा सिलाई करेंगे, उसके बाद और एक पोटी हम लगाएंगे, ये ऊपर में रहेगा। तो देखिए ये बहुत ईजी टेक्निक और वो नया है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और क्यों हमें देना है ये देखिए, ये अगर देंगे तो आपका डाउन स्ट्रॉन्ग भी होगा और ऊपर से ऊपर में एक इसका लुक भी अच्छा दिखेगा। और फ्रेंड ये देखिए उसके बाद देखिए इस जगह में, देखिए दूसरी बात हमें क्या करना है, इसे फर्स्ट टाइम आपको कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद सिंपल सा हमने ये वाला जो डाउन का जो पुट्टी मैंने लिया है तो उसे इसी तरह ही करेंगे, और नीचे का जो हिस्सा है वो हम हेम में करेंगे। और आप लोग देख लेंगे, ये अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए फिर से चेक करके आप दोबारा स्टिच लगा देंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, और ये आप लोगों को देखना है दोनों तरफ का जो मिल है ही हो रहा है कि नहीं आप लोगों को देखना है। ये देखिए एकदम बराबर है, तो देखिए उसके बाद ये करना है डाउन वाला जो पुट्टी है वो लगाना है ऐसे करके। ठीक है फिर, तो इसी तरह इसे लगाना है। और ये देखिए किस तरीके से होगा, ये नीचे चले जाएगा एक पुट्टी ऐसे, और दूसरे जो पुट्टी है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए वो हेम में होगा। तो चलिए ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये पूरा करके उसके बाद में दिखा रहा हूँ। और फिर ये देखिए ये लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसी तरह एक लॉक देना है, ठीक है। पूरा इसी तरह लॉक देना है, और नीचे का हिस्सा ये नीचे चला जाएगा और ऊपर का हिस्सा, ये देखिए कितना अच्छा इसका फिनिशिंग आ गया है। बस अब कुछ भी नहीं करना है। और फिर ये देखिए जो डाउन मैंने लगा रहा था उसका फ्रंट की तरफ जो हिस्सा रहेगा वो इसी तरह रहेगा, ये देखिए इसी तरह रहेगा। और इसलिए मैंने एक लॉक दे रहा हूँ ये, ठीक है, इसी तरह देना है।
तो फ्रेंड ये देखिए स्लीव में अब हम डिज़ाइन दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। एक टेक्निक इसमें हम यूज़ करूँगा और ये देखिए इसी तरह मैंने डोरी उल्टा कर रखा है ये लगाने के लिए, जैसे डोरी बनता है ना हमारे चैनल में है, जो आप लोगों को अगर पता ना है तो आप देखिए फैशन डिज़ाइनिंग जो सीक्रेट टेक्निक है वो कैटेगरी में मैंने बहुत सारा इसी तरह डोरी कैसे बनता है मैंने दिखाया। तो ये वीडियो खामोखा बड़ा हो जाएगा और क्योंकि ये बेसिकली डिज़ाइन का वीडियो है तो इसलिए वो आप बना के उसके बाद करिए इसी तरह। और ये बहुत बढ़िया एक टेक्निक है, देखिए इसी तरह इसे यूज़ करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक मेजरमेंट लेना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए थोड़ा सा पास से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ये आप लगाएंगे कैसे देखिए, ये साइड का जो मेज़रमेंट है उसे फॉलो करेंगे आप लोग, और ये जितना बड़ा है तो उसी से हिसाब से पहले से आप लोगों को ये देखिए इसी तरह कट करके रखना है, और इसी तरह गैपिंग देखना है, ये गैपिंग देखना है और ये जो अंदर वाला जो गैपिंग है ये देखना है। तो इसी के साथ हम ये पूरा करेंगे, तो चलिए देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह लगाएंगे और आप देख ही रहे हैं इस जगह में जो कच्चा रह जा रहा है इस जगह में, वो मैं बाद में ठीक कर दूंगा किस तरीके से करना है, फिलहाल ये लगा के उसके बाद में दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए इसके बाद इसी तरह छोटा सा एक लेना है जो डोरी मैंने लिया है और पहले वाला जो था और उससे भी ये बहुत छोटा है और इसी तरह लगाना है। और आप देख ही रहे हैं हमारे चैनल में जितना वीडियो है तो इसी तरह टेक्निक से लेकर ही मैंने अलग से कैटेगरी बनाया है जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग सीक्रेट टेक्निक करके कैटेगरी है, तो वही लेकर मैं ये डिज़ाइन भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को देख ही रहे आसानी से, अब वो टेक्निक लेकर बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग डिज़ाइन बना रहा है, तो आप भी कोशिश कीजिए। मैं जो टेक्निक दिखाता हूँ उस जगह में उसका बहुत सारा मतलब होता है और बहुत कुछ बनता है, तो कैसे बनता है ये आपको ढूंढना है। और देखिए ये इसी तरह टेक्निक हमें इसमें यूज़ किया है और ये आप देख ही रहे हैं इसमें कच्चा है और कच्चा दिख रहा है इस जगह में, तो कैसे कच्चा को पक्का करें वो मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा आप लोगों को। तो फ्रेंड ये देखिए इसी तरह मैंने हमारा जो दो स्लीव है वो उसमें मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है, तो अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ इसे कैसे पक्का करना है। ठीक है, और ये देखिए इसी तरह लगाने के बाद ये थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक कर लेंगे। तो देखिए इसके ऊपर इसे कैसे मैं पक्का कर रहा हूँ, ये तो कच्चा है इस जगह में, तो कच्चे को किस तरीके से करना है आप देखिए, बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद इस डिज़ाइन में जब ये स्लीव लगाएंगे आप देख ही रहा है इसका जो बैक बॉडी है तो वो तैयार हो गया है, तो बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन बना है और हम सेल भी कर रहा है इस डिज़ाइन को। और किसी को अगर पता ना हो तो फ्रेंड आपने आप लोगों ने देखा है शायद हमारा जो ये प्रशांत का जो चैनल है, इस चैनल से मैंने बिजनेस रिलेटेड सारे वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है, तो इसलिए मैंने वो एक अलग चैनल मैंने बनाया है जो फैशन प्रतिभा है हमारा ब्रांड का नाम है, तो वही से मैंने नया एक चैनल बनाया है और इसका वो चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं मैं जितना सेल करने का वीडियो उसमें डाला है तो वो अभी इस चैनल में नहीं रहेगा क्योंकि ये सिर्फ ट्यूशन का वीडियो होगा और जो लोग घर में फ्री में वो जो लोग सीख रहे हैं, तो बहुत लोगों ने बोला है सर ये बिजनेस वाला और ये वाला दोनों मिलजुल हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो वो अलग से बना लिया जाए। तो अब इसी तरह हमें कमेंट्स करते जाए तो किसी का चीज़ का आपको प्रॉब्लम हो तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों को और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा सा देर हो जाता है मगर क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा काम यानी कि वीडियो बनाने के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया, वो प्रोजेक्ट ख़त्म ना हो तो दूसरा कुछ हम नहीं कर सकते, तो इसलिए तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसको कैसे हम फिनिश करते हैं। ये देखिए लेस लग रहा है इसमें, बस सर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है ये, एक लेस लग रहा हो ये देखिए। और ये जो लेस है फ्रेंड मैंने दोनों तरफ इसका
स्टिच करूँगा, एक लेफ्ट एक राइट, पहले राइट में कर रहा हूँ उसके बाद लेफ्ट में करूँगा, तभी ये लेस बिठेगा। और बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग चाहे तो दूसरी टेक्निक भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप लोग अब चाहे तो फ्रेंड, जब हम ये पार्ट वाला कर रहा था तो उस वक्त अगर लगे आप लोग ऊपर से करेंगे तो आप उसके नीचे भी ये देकर भी कर सकते हो, मगर ये सिंपल तरीका है, इसलिए मैंने ये टेक्निक आप लोगों को दिखाया। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रहे, तो इसी तरह डिज़ाइन बनाने के बाद आप लोगों को दिमाग में रहे, इसका कॉस्टिंग अगर ज़्यादा हो जाए तो मार्केट में नहीं बिकेगा। हम लोग तो होलसेल में करते बहुत ही कम है, मगर जो लोग रिटेल सेल करेंगे तो उसका भी अगर कॉस्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो नहीं चलता है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ही वो डिपेंड होता है। हम लोग अगर ज़्यादा कॉस्ट लेंगे वो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखा, तो इसी तरह हमें दोनों स्लिप करना है। तो चलिए इसी तरह करके उसके बाद स्लीव लगाना मैं नहीं दिखाऊंगा, स्लीव लगाने के बाद आप लोगों को फुल कंप्लीट एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, यानी कि डिज़ाइन कैसे बने हैं। और फ्रेंड ये देखिए, उसके बाद हमें जो स्लीव है तो वो हम पक्का कर लेते हैं। और आप लोगों को मैंने पहले से ही आप लोगों को बता दिया है, जो ब्लाउज हम सेल करते हैं हमारा प्रोडक्ट का जो वो क्वालिटी से वो उसका बहुत सोच के मैंने बहुत अलग अलग टेक्निक इसमें मिला दिया है। सभी इंटरलॉक आप लोगों को इसी तरह मिलेगा और एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें जो कपड़ा है ऑर्डर की तरह एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और हम लोग जो सेल करते हैं सभी होलसेल में करते हैं, तो इसी तरह पक्का कर लेना है। और उसके बाद जब स्लीव लगाएंगे उसके बाद हम फिर से भी पक्का करेंगे। और फ्रेंड ये देखिए, हम अब गला लगाने जा रहे हैं। स्लीव तो आप लोगों ने देखा है, स्लीव कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह शॉर्टिंग करेंगे। तो देखिए इसका जो शॉर्टिंग है, तो ये देखें नीचे हम इसी तरह मिला रहे हैं और ऊपर में से इसी तरह मिलाएंगे। तो और इस जगह में करने के बाद हमारा जो नेक है, जो बैक नेक है, उस जगह में थोड़ा सा हम शॉर्टिंग करेंगे, क्योंकि इसका तो फ्रंट ओपन है। और इसी तरह शॉर्टिंग करने के बाद हम ये वाला जो हिस्सा है, जिस तरीका से ये लगा है, जिस तरीका से ये वाला हिस्सा लगा है, तो वही टेक्निक से हम इसे लगाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये बोटनेक डिज़ाइन है और बहुत बढ़िया है और एकदम न्यू लुक है। इस डिज़ाइन को आप लोगों को मार्केट में नहीं दिखने का मिलेगा। और देखिए मैं सिंपल सा लगा रहा हूँ, अपना जो ब्लाउज़ है उसे मैंने उल्टा कर लिया है पहले। ठीक है, उल्टा करने के बाद ये सीधा में इसी तरह थिकनेस दिखेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसी तरह करेंगे। तो इसी तरह हम उल्टा कर लिया है और उसके बाद घूम के वो उधर चले जाएगा। तो मेरे ख्याल से और दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये पूरा करके उसके बाद मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसी तरह लगाना है। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रहे, आप नेट में जब लगाएंगे थोड़ा सा वन चाप इसमें सीम्स मार्जिन इसमें रखेंगे, नहीं तो फाड़ जाएगा। और फ्रेंड ये देखिए, उसके बाद हम इसको फिर से घुमा के, यानी कि हमारा जो सीधा तरफ है वो हम रख रहे हैं। और फ्रेंड ये देखिए, स्लीव को हम इसी तरह इंटरलॉक दे देते हैं। सभी ब्लाउज में ही हम इसी तरह करते हैं, ये देखिए स्लीव में भी। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, इसका पहले एक लॉक दे चुका हूँ मैंने, और देखा जाए इंटरलॉक में क्या होता है, वो फाड़ जाता है कुछ दिन बाद, इंटरलॉक फाड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही एक लॉक दे देते हैं उसे, ताकि इंटरलॉक से यानी कि जो जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड ये देखिए, हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है। और ये देखिए इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और ये देखिए नीचे का जो हिस्सा है वो हम हेम करेंगे, इसी तरह हेम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह हेम हो जाएगा। और इसका बैक ओपन मैंने किया है। और ये देखिए जो मैंने कप लगाया है उसका फिनिशिंग देखिए बहुत बढ़िया है इसे। और साइड में देखिए, ये देखिए एक्स्ट्रा वाला कपड़ा रखा है। और ये भी देखिए, तो ये हमारा दिखाने का मतलब है, जो लोग हम उससे ब्लाउज़ खरीद रहे हैं होलसेल में, तो उन लोगों को पता चले जो हम लोग जो डिज़ाइनिंग वाला बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसी तरह हमारा सभी क्वालिटीज़ में है। तो चलिए इस वीडियो में अब ज़्यादा बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, ये डिज़ाइन आप लोगों को दिखा दिया है। और जो लोग नया है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो से। और उम्मीद करता हूँ आप लोग एक शेयर और इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ, आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक का शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।